नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कुछ लोग कहेंगे 4% ही तो भागा। देखिए दोस्तों, 4% भी इस कंपनी के लिए 40% के बराबर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, बताना चाहता है कि इस कंपनी में 4% के ऊपर दो ही बार अपने को तेजी देखने को मिली। फर्स्ट जो है कि जियो से जब अनाउंसमेंट किया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है दोस्तों वो जो है कि मतलब डीमर्ज होगा, तब जो है कंपनी ने भागा था। और सेकेंड अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट में कंपनी मतलब आज के दिन जो है कि तेजी दिखाया, जो कि आफ्टर रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुआ है। हालांकि दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन तो अपने को मतलब डीमर्जर की बात करें तो जो कि रिकॉर्ड डेट बचा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बात करें तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये स्टॉक जिस हिसाब से तेजी दिखा रहा है 3000 भी जा सकता है। वही भी बहुत सारे इंटरेस्टर मतलब दोस्तों कब जियो फाइनेंशियल जो है कि लिस्ट होगा उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और किसी ने कमेंट किया था दोस्तों कि मंडे के दिन ये स्टॉक तेजी में जाएगा या जो है कि गिरावट दर्ज करेगा, तो ऐसे में किसी ने उनको जो है रिप्लाई भी दिया था कि इस चीज़ को कोई नहीं बता रहा है, जिससे रिलेटेड मैं अभी बात कंपनी के ऊपर भी आएंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, सबसे पहले उस कमेंट को हम कवर कर लेते हैं कि मतलब जिनको डाउट था कि ये कंपनी मंडे के दिन तेजी में जाएगी या गिरावट दर्ज करेगी। हालांकि दोस्तों उनका डाउट भी मतलब देखा है तो एक प्रकार से आप क्लियर ही कह सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे मतलब देख सकते हैं कि मंडे को ये रिलायंस का जो प्राइस है अप जाएगा या डाउन जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें किसी ने रिप्लाई किया, रिप्लाई की बात करें तो उन्होंने बताया कि मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ऐसा उनका रिप्लाई था। लेकिन दोस्तों हम उनसे बताना चाहते हैं कि देखिए हमारा जो सिंपल मतलब बात हम करें कि मतलब हम किसी भी कंपनी के बारे में जो है कि हिडन बात नहीं करते, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बताते हैं। हमारा जो भी रहेगा क्लियर कट दोस्तों, ये कंपनी ऊपर जाएगा या गिरावट दर्ज करेगा इससे रिलेटेड हमारा सिंबल सी बता देता है। और जो है कि आप मतलब जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों उनको मालूम, मार्केट में दोस्तों किसी भी बात की गारंटी नहीं होती। और सेकंड दोस्तों कि किसी भी बात को जो है कि ओपनली बोला नहीं जा सकता। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि वही पे स्टॉक में आज के दिन 4.5% के आसपास स्टॉक ने तेजी दिखाया था। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से जो है कि गैप अप ही ओपन होती है और 4.5% तक जाती है, उसके बाद गिरावट दर्ज करती है, फिर जो है कि एक आप कह सकते हैं फ्लैट कारोबार किया। जैसा कि अगर आप इस कंपनी के क्लोजिंग प्राइस को देखेंगे जो कि प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 2633 रुपये दिखाया जाता है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी ने आज के दिन एक 52वीं हाई लगाया, न कि ऑल टाइम हाई। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो उसी के आसपास ये कंपनी चल रही। जैसा कि आप देखेंगे तो 52वीं हाई कितना है 2756 रुपये कंपनी ने आज ही के दिन अचीव किया है। और यहाँ पर भी देखें तो अगर 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो ये मतलब जो आपको देखने को मिल रहा है लगभग उसी के आसपास ये कंपनी चल रही। यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी लगभग 2760 रुपये के आसपास गई थी। हालांकि दोस्तों इन्वेस्टर की बात करें तो उनका भी पूछना मतलब कि सही बात था कि एक प्रकार से देखा है तो इसमें एक निगेटिव न्यूज भी था। निगेटिव न्यूज क्या था दोस्तों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये निगेटिव न्यूज ना रहे, लेकिन दोस्तों बताना चाहता है जो कि 60% लॉस्ट हो गया था ओवरनाइट में। मतलब क्या था दोस्तों कि रिलायंस रिटेल की बात करें, इनका जो डब्बा बाजार था वो मतलब जो कि कुछ अनुमान और लगाया जा रहा था खुला कुछ और, मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से इसमें कुछ ज़्यादा ही लॉस देखने को मिला था। यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक एक 52वीं हाई लगा रहा है। रिलायंस जो है कि आज के दिन एक 52वीं हाई लगाया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो रिलायंस जो कि सुर्खियों में देखने को मिलेगा। कंपनी का जो 52वीं मतलब जो कि रिटेल से बात करें, रिटेल न्यूज़ की बात करें तो इसमें जो कि कंपनी ने 52 जो कि बाई बैक किया दोस्तों, जिसके कारण भी देखा जाए एक प्रकार से आप कह सकते एक प्रकार से पॉजिटिव था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो था ना ये निगेटिव भी था, इसको भी निगेटिव कंसिडर कर सकते हैं। हालाँकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है। वही भी दोस्तों कंपनी में जो आज के दिन गिरावट देखने मतलब माफ़ करना तेजी देखने को मिली है दोस्तों, देखा जाए तो इसके पीछे का तेजी के पीछे का एक ही रीजन है दोस्तों, डीमर्जर की बात करें तो डीमर्जर के कारण जो कि इनका रिकॉर्ड डेट जो सामने आया, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे भी देखेंगे तो मतलब इस रिलायंस भी एक ऐसा स्टॉक आप कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। जैसा कि आप इसके रिकॉर्ड डेट की बात करें दोस्तों तो कंपनी लगभग देखा है तो 20 जुलाई को जो है कि इसका एग्जिट रिकॉर्ड डेट है। इससे पहले जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा वो जो है कि मतलब एक जियो का शेयर उसको मिल जाएगा। और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के टाइप की तेजी देखने को मिली। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ भी आप कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला। ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो जो कंपनी का आज के दिन एक 10 जुलाई को कंपनी ने एक 52वीं हाई लगाया, एक्चुअल में इस कंपनी का जो हाई है दोस्तों लगभग देखा है तो वही कि उसी के आसपास ये कंपनी चल रही है। और कंपनी की बात करें तो 20 मार्च 2023 को 2180 रुपये पर भी ये कंपनी आती है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था कि इससे सस्ता ये कंपनी नहीं मिलेगी। उस समय इस कंपनी का प्राइस लगभग 2300 से 2400 के बीच में चल रहा था। जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। हाँ दोस्तों, इसमें सबसे जो खास बात है देखा जाए तो मिलियंस में टोटल शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें देखा जाए तो 56% 60% माल डिलीवरी में उठाएगा, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन आप इसको कह सकते। कंपनी की रिकॉर्ड डेट की बात करें तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी का जो कि 20 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है। इससे रिलेटेड दोस्तों हमने उसी दिन जो है कि वीडियो भी बना दिया था, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं।
अभी डी मर्जर से पहले ये स्टॉक 3000 कैसे जा सकता है उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों कब लिस्ट होगा उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले एक महीने के चार्ट को देखेंगे दोस्तों। तो एक महीने में कंपनी ने 10% का रिटर्न बना के दिया। हालांकि दोस्तों एग्जिट अगर हम बताना चाहें ना तो एक महीना भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 दिन से 12 दिन आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का आपको चार्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे 9.5% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है 27 जून से लेकर के 10 जुलाई के बीच, मतलब 10 से 12%। इसमें जो है कि फेस्टिवल की बात करें, मतलब देखा है तो बकरीद भी था दोस्तों इसी जून में ही था। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो मतलब सब मिला जुला करके 10 दिन की आप तेजी कर सकते हैं। वही पे दोस्तों देखा जाए तो इसमें मतलब कि अभी गैप कितने का है, इस पॉइंट को भी नोट करना। यहाँ पे देखा जाए जो गैप देखने को मिल रहा है और इसको अगर हम प्लस कर देंगे दोस्तों, तो मतलब 10 दिनों में 10% इस स्टॉक को भागना कोई मतलब इजी काम नहीं, ये भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। क्योंकि दोस्तों अगर इस कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी 150% का रिटर्न तो बना के दिया, लेकिन हाँ ये कंपनी कई दिनों से इसी दायरे में चल रही है, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कंपनी एकदम ब्रेक इवन के करीब है, तो हो सकता है कि ये कंपनी एक ब्रेकआउट भी दे सकती है। लिस्टिंग कब होगी दोस्तों उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि 20 जुलाई जो है कि इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें जो कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, उसका अभी नाम बदल करके जियो फाइनेंस रख दिया गया है, जिसका मतलब जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर रहेगा दोस्तों उसको जो है कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहिए या जियो फाइनेंस कहिए दोस्तों, पर एक शेयर जो कि मिल जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का है, तो मतलब आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी जो है कि स्प्लिट भी कर सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हालांकि रिकॉर्ड डेट एक्स डेट सब आपको जियो फाइनेंस मार्केट में लिस्ट कब होगा दोस्तों तो आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए इसमें जो कि कॉर्पोरेट टैक्सन होते हैं उसके रिकॉर्ड डेट के बाद एक महीने से या एक से डेढ़ महीने के बीच में जो है कि पूरी तरह से जो कि प्रोसेस पूरे हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जियो फाइनेंशियल सर्विस लिस्टिंग डेट आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस डी मर्जर रिकॉर्ड डेट के बाद दोस्तों, जो कि मतलब हेड ऑफ रिसर्च सेंटर की बात करें जो कि प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज सेड वी कैन एक्सपेक्टेड जियो फाइनेंस सर्विस लिस्टिंग बाई एंड ऑफ अगस्त में जो कि हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। जो कि 10 तारीख हो गया दोस्तों और 20 जुलाई को कंपनी का एक रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, तो ऐसे में देखा जाए तो अराउंड ये जो बता रहे हैं एक से या तो एक से डेढ़ महीने के बीच में जो है कि ये डीमर्जर रिकॉर्ड डेट मतलब जो कि देखा है तो एक पूरा प्रोसेस पूरा हो सकता है। स्टॉक में अपने को करना क्या है सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए, देखिए जिनके पास भी रिलायंस है दोस्तों नो डाउट आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात कर सकते इससे स्लो रिटर्न और सेफ रिटर्न के लिए कंपनी जानी जाती है। जैसा कि आप इसके अगर चार्ट को भी देखेंगे तो किसी ने यहाँ पर भी बाइंग किया दोस्तों, मतलब बहुत लंबा समय नहीं, कई बार ये कंपनी इस प्राइस पर भी गई और उसके बाद रिटर्न हुआ, तो ऐसा नहीं दोस्तों मतलब आपके पास कई बार ऑप्शन भी मिले कि आप चाहे तो अपने कैपिटल को जो है कि सेव भी कर सकते हैं, मतलब इमरजेंसी में ये फंड जो है कि आपके काम में भी आया है। वही जो इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं अगर 5 साल में देखें तो कंपनी 150% का रिटर्न बना के दिया। हालांकि दोस्तों ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, मतलब देखा तो 18 लाख करोड़ का 18.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप मतलब किसी का भी नहीं, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर कंपनी में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए अभी इसके गिरने के बहुत ही कम चांस है, फिर भी अगर कंपनी में गिरावट होती है दोस्तों मतलब यहां पर जाने के बाद इस कंपनी में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि 2500 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो जल्द से जल्द ये कंपनी 3000 के आसपास जा सकती है। हालांकि देखिए 3000 टच करेगी कि नहीं करेगी दोस्तों, इसमें कोई मतलब कि देखा है तो एक फिक्स रूल्स नहीं है कि मेरे पॉइंट से हो सकता है कि इसके आसपास ये कंपनी जा सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।